The story of Milkha Singh is one of the most inspiring and motivating stories that all of us have heard many a times. कैसे एक बच्चे की कहानी जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त हुई वायलेंस में अपने माँ बाप को खो देते हैं, कैसे वो आगे चलकर एक वर्ल्ड क्लास एथलीट बनते हैं एंड inspires millions of kids of coming generations. इंडिया लॉस्ट मिल्खा सिंह. पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिल्खा सिंह की ऐसी एक कहानी के बारे में जिसमें perseverance और hardwork का ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है जो हमने शायद कभी ना देखा हो, जो आज भी हमें इंस्पायर करती है और आने वाली कई जनरेशन को वो कहानी इंस्पायर करती रहेगी. इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट मिल्खा सिंह व्हेन ही डिफीटेड पाकिस्तान्स बेस्ट एंड बिकेम एशियाज फास्टेस्ट मैन. मेरा नाम है मुकुल, यू वेलकम टू द मुकुल्स. तो आओ फिर शुरू करें. We have all seen the popular movie Bhaag Milkha Bhaag. हम जानते हैं कि कैसे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद मिल्खा सिंह के स्पोर्टिंग करियर की शुरुआत होती है, कैसे वे आने वाले कुछ समय में नेशनल रिकॉर्ड और इंटरनेशनल रिकॉर्ड स्थापित करते हैं. पर आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी खास कहानी के बारे में बात करेंगे जहां पर मिल्खा सिंह बनते हैं एशियाज फास्टेस्ट मैन. तो कहानी की शुरुआत होती है 1956 में, जहां पर मेलबर्न ओलंपिक्स में 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में मिल्खा सिंह पार्टिसिपेट तो करते हैं पर कोई पदक जीत नहीं पाते. एंड दिस वॉज अ टाइम of learning, of working hard. दो साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 1958 में मिल्खा सिंह ने एक नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया और 1958 के एशियन गेम्स में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल भी जीता और उसके साथ ही 200 मीटर रेस में एशियन रिकॉर्ड भी कायम किया. एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अब्दुल खालिक 100 मीटर के एशियन चैंपियन थे और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर थी कि जब दोनों के बीच में 200 मीटर की रेस होगी तो हु विल बिकम एशियाज फास्टेस्ट मैन. नाउ द डे कम्स, रेस शुरू होती है. 100 मीटर के फासले तक दोनों एक दूसरे को नेक टू नेक टक्कर दे रहे थे, पर आने वाले अगले 100 मीटर के फासले में मिल्खा सिंह आगे निकल जाते हैं. दोनों कंट्री के लोग दोनों को चीयर कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग अब्दुल खालिक को तो इंडिया के लोग मिल्खा सिंह को. जैसे ही लाइन खत्म होने वाली होती है, टेप को जैसे दोनों छूने वाले होते हैं तभी मिल्खा सिंह के पैर में एक मसल पुल हो जाता है और वे टेप की ओर सीधा जंप मार देते हैं और साथ ही अब्दुल खालिक भी एंड लाइन तक पहुंच चुके हैं और टेप को छू लेते हैं. नाउ दिस रेस वाज टू क्लोज कि जजेस को लगभग 30 मिनट का समय लगा और सभी एंगल से वीडियो देखने के बाद, फुटेज देखने के बाद मिल्खा सिंह को एशियाज फास्टेस्ट मैन का खिताब दिया गया. इसके बाद भी मिल्खा सिंह की विनिंग स्ट्रीक बरकरार रहती है और अपने 10 साल से ज्यादा के करियर में मिल्खा सिंह बिकेम द बेस्ट दैट इंडिया एवर हैड. नाउ दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू मिल्खा सिंह. ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड वी विल रिमेम्बर हिम ऑलवेज. And he will always inspire the coming generations. Rest in peace, Milkha Singh. Thank you.